ये क्लास टेंथ के साइंस का चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। जब आप किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होने लगती है, जिसको आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहाँ पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब भी आप किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, उसी की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। जब इन द प्रीवियस चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस चैप्टर में वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमने इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। वी नो दैट, हम जानते हैं, सॉरी, व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के और क्या इफेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं दैट इन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर्स होती है वो एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करती है। लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू रीइंफोर्स इट, इस कुछ एक्टिविटी करके यहाँ पर देखते हैं इसको जानने के लिए। एक्टिविटी 13.1 यहाँ पर दिया हुआ है। टेक ए स्ट्रेट थिन कॉपर वायर, एक पतली सी सीधी कॉपर वायर ले लेंगे एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई, इसको पॉइंट एक्स और वाई के बीच में रख देंगे, जो कि साइड में फिगर में दिखा रखा है। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एज ऑन द फिगर 13.1, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। प्लेस ए स्मॉल कंपास नियर दिस कॉपर वायर, इस कॉपर वायर के पास में एक छोटा सा कंपास रखेंगे। सीधा पोजीशन ऑफ इट्स नीडल, उसकी नीडल की पोजीशन देखेंगे कि नीडल किस डायरेक्शन में जा रही है। पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग की इनटू द प्लग, जो की है उसको प्लग में लगाएंगे और उसके अंदर करंट पास करेंगे वायर में। ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ कंपास नीडल, और वहाँ पर देखेंगे क्या वहाँ पर चेंजिंग हो रही है उस नीडल की पोजीशन में। वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, मीन उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, वो दूसरी डायरेक्शन में घूम जाती है। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन दैट, इसका मतलब है कि द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज़ प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो पास हुआ है कॉपर वायर में उसने एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दिया है। दस वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक टू ईच अदर, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए फेनोमेना हैं। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट, और इसी तरीके से एक रिवर्स पॉसिबिलिटी और प्रेजेंट हो जाती है, जब कोई मैग्नेट मूव करती है तो उससे भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर जनरेट हो सकती है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और कुछ ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की स्टडी करेंगे। वी शैल ऑल्सो स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी स्टडी करेंगे एंड इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में भी स्टडी करेंगे, विच इवॉल्व मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, और इलेक्ट्रिक जनरेटर की भी स्टडी करेंगे, विच इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट, जहाँ पर एक मूविंग मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, हम उस जनरेटर की भी स्टडी करेंगे। यहाँ पर हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड के बारे में नीचे दिया हुआ है। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th century, 19th century के एक फेमस साइंटिस्ट थे। प्लेड ए क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए। इन 1820 में ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट ए कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द मेटलिक वायर प्लेस नियर बाई। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सीडेंटली इन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक कंपास इनके पास रखा हुआ था उसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो गई थी जब मेटलिक वायर में करंट फ्लो किया था, जो कि पास में ही रखी हुई थी। थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से ओरस्टेड सॉ दैट, ओरस्टेड ने बताया था, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर रिलेटेड फेनोमेना, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड फेनोमेना है, मीन एक दूसरे रिलेटेड है। हर रिसर्च लेटर क्रिएटेड टेक्नोलॉजी सच एज रेडियो, इनके रिसर्च से आगे बाद में नई टेक्नोलॉजी बन गई, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सब इसी के बेस पर बने हुए हैं। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड द ओरस्टेड इन इट्स ऑनर, और जो मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट भी होती है ओरस्टेड, वो इनके सम्मान के आधार पर ही बनाई गई है।
मैंने एक यूनिट और दी गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है ओरस्टेड, वो इन्हीं के नाम पर बनाई है। अगला टॉपिक आता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। हमें ये पता है कि जो कंपास नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है जब आप किसी बार मैग्नेट को उसके पास लेकर आते हैं। मीन आप कोई बार मैग्नेट किसी कंपास नीडल के पास लेके आएंगे तो कंपास की नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ए कंपास नीडल इज इन फैक्ट ए स्मॉल बार मैग्नेट। जो कंपास नीडल होती है वो भी एक तरह की बार मैग्नेट ही होती है, मीन उसके अंदर भी एक बार मैग्नेट लगी होगी। द एंड्स ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जो कंपास नीडल के जो एंड्स होंगे वो हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही रहते हैं। द एंड्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सिकिंग और नॉर्थ पोल। वो सिरा जो कि नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा उसको आप नॉर्थ सिकिंग या फिर नॉर्थ पोल कह सकते हैं। एंड द अदर एंड दैट पॉइंट टुवर्ड्स साउथ, और जो दूसरा सिरा है जो कि साउथ के डायरेक्शन में होता है उसको आप साउथ पोल या साउथ सिकिंग कह सकते हैं। थ्रू वेरियस एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट लाइक पोल रेपल। हमने काफ़ी तरह की एक्टिविटी की है जिससे हमें पता चलता है लाइक पोल रेपल की जो एक जैसे पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रेपल करते हैं। मीन आप नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके आएँ तो रेपल करेगा, साउथ को साउथ के पास लेके आएँ तो रेपल करेगा। मीन एक जैसे पोल होंगे तो रेपल करेंगे। वाइल अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। जबकि अगर आप अलग अलग पोल्स को लेके आएँ, मीन साउथ को नॉर्थ पोल के पास लेके आएँ, तो वे क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। कंपास नीडल क्यों डिफ्लेक्ट होती है जब आप उसके पास में कोई बार मैग्नेट लेके आते हैं। तो जब बार मैग्नेट लेके आएंगे तो बार मैग्नेट एक मैग्नेट ही है और जो कंपास है कंपास के अंदर भी मैग्नेट प्रेजेंट होती है। तो जब एक मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट लेके आएंगे तो वो अट्रैक्ट होगी या फिर रेपल होगी। अट्रैक्ट और रेपल होने की वजह से ही उसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे एक्टिविटी दी है फिर से 13.2। कहा है फिक्स ए शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल। आप वाइट एक ड्राइंग बोर्ड पे वाइट पेपर शीट को फिक्स कर लेंगे। प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन इट, उस पर एक बार मैग्नेट रख देंगे उसके सेंटर पे। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। आप क्या करेंगे, वहाँ पर कुछ आयरन फिलिंग्स को लेंगे और वो बार मैग्नेट के ऊपर उसको छिड़काव करेंगे, ऊपर से डाल देंगे। सॉल्ट इन स्प्रिंकलर मे बी यूज फॉर दिस पर्पस। सॉल्ट स्प्रिंकल्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, मीन मेटल का कोई सॉल्ट वगैरह हो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ टेप द बोर्ड जेंटली, बोर्ड को धीरे धीरे हिलाएंगे आप। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्यों ऑब्जर्व करेंगे। जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे, आपने क्या कहा, एक ने आपने कार्डबोर्ड लिया, उस पर पेपर शीट लगा दी, बीच में आपने एक बार मैग्नेट रख दिया। बार मैग्नेट रखने के बाद ने आपने उसके ऊपर आयरन को स्प्रिंकल किया, मीन आयरन पाउडर लिया उसको स्प्रिंकल किया, उसके ऊपर डाल दिया, छिड़काव कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो एंड्स होंगे, जैसे नॉर्थ और साउथ एंड, यहाँ पर दो पोल दिखा रखे पिक्चर में, यहाँ पर जो आयरन फिलिंग होगी वो ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी और बाकी जगहों पर थोड़ी कम इकट्ठी होगी। मीन इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखाई देगी, यहाँ पर कर्व के जैसी दिखाई देंगी, लेकिन जितने भी आयरन्स होगा, जो आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सिरों पर ज़्यादा होगी, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, बाकी जगहों पर थोड़ी कम होगी। दिया हुआ है द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न। जो आयरन फिलिंग्स होती है वो अपने आपको एक पैटर्न में अरेंज कर लेती है, सोने द फिगर जगह के फिगर में दिखा रखा है। व्हाई डू द आयरन फिलिंग अरेंज इन सच ए पैटर्न। जो आयरन फिलिंग्स है वो इस तरह के पैटर्न में क्यों अरेंज हुई है। व्हाट डज दिस पैटर्न डिमॉन्स्ट्रेट, और ये पैटर्न जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। द मैग्नेट एग्जर्ट इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। जो मैग्नेट होती है वो अपने चारों तरफ अपने इन्फ्लुएंस को दिखाती है। देयरफॉर द आयरन फिलिंग एक्सपीरियंस ए फोर्स, जिसकी वजह से आयरन फिलिंग्स पर क्या होगा, एक फोर्स लगता है, वो इसको अट्रैक्ट करेगी, उस पर एक फोर्स लगाएगी। द फोर्स दस एग्जर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग टू अरेंज इन ए पैटर्न। और इस फोर्स की वजह से जो आयरन फिलिंग्स होती है वो एक पैटर्न के फॉर्म में अरेंज हो जाती है। द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट, जो रीजन मैटर मैग्नेट के तरफ घिरा हुआ होता है, मीन कि जिस रीजन से मैग्नेट घिरा हुआ होता है, इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। देखिए मैग्नेट के चारों तरफ का ऐसा एरिया जहाँ पर आप फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, इस सेट टू हैव ए मैग्नेटिक फील्ड, उस एरिया को आप मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। द लाइन्स अलोंग द विच आयरन फीलिंग्स अलाइन देमसेल्फ रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और जिस लाइन्स में मैग्नेटिक फीलिंग जो है वो अरेंज हो जाती है,
या मैग्नेटिक फील्ड जिस तरीके लाइंस बना लेती है, उन लाइंस को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं। आर देयर एनी अदर वेज ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या कोई दूसरा तरीका भी है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पता कर सकते हैं अराउंड ए बार मैग्नेट, किसी बार मैग्नेट की वजह से? यस, यू कैन योर सेल्फ ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट, आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं बार मैग्नेट के अकॉर्डिंग लाइन को आप खुद बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर फिर से एक्टिविटी दी है किस तरीके से हम उसको ड्रॉ करेंगे। टेक ए स्मॉल कंपास, एक छोटा सा कंपास ले लीजिए, ए बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट ले लीजिए। प्लेस द बार मैग्नेट ऑन द शीट ऑफ वाइट पेपर, बार मैग्नेट को एक पेपर शीट पर रख लेंगे। फिक्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड, जिसको आपने ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स किया होगा यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल, किसी मटेरियल से। मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट, जो मैग्नेट होगी उसके बाउंड्री आप वहाँ पर बना लेंगे। प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल के पास आप मैग्नेट को रखेंगे। हाउ डज इट बिहेव, और देखेंगे उसका बिहेवियर कैसा है, मीन नीडल किस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है। द साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, जो नीडल का जो साउथ पोल होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएगा मैग्नेट के, क्योंकि साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, जबकि जो नॉर्थ पोल होगा वो तो बाहर की ओर हो जाएगा, नॉर्थ पोल से दूर जाता हुआ दिखाई देगा मैग्नेट के। यहाँ पिक्चर दिखा रखी है साइड में। मार्क द पोजिशन ऑफ टू एंड्स ऑफ द नीडल, जो दोनों साइड नीडल आ जाएगी मैग्नेटिक कंपास के, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, वहाँ पर निशान लगा लेंगे पेपर पे आप। नाउ मूव द नीडल टू ए न्यू पोजिशन, उसके बाद मैग्नेटिक कंपास की नीडल है उसको नई पोजिशन पे लेके जाएंगे। सच दैट इट्स साउथ पोल ऑक्यूपाई द पोजिशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय द इट्स नॉर्थ पोल, जिस तरीके से पहले हो रहा था जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से फिर से कि दूसरे पॉइंट पर जाकर फिर से इस एक्टिविटी को करेंगे। इन दिस वे, इस तरीके से प्रोसीड स्टेप बाई स्टेप टिल रीच द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एज ऑन फिगर 13.3, और इस तरीके से बार बार करते रहेंगे जब तक कि आप साउथ पोल तक नहीं पहुंच जाते। जॉइन द पॉइंट्स मार्क ऑन द पेपर बाई स्मूथ कर्व, जो पॉइंट्स आपने ड्रॉ किए हैं उनको सभी को आप मिला लेंगे, लाइन बना लेंगे, एक स्मूथ कर्व लाइन बनाएंगे। दिस कर्व रिप्रेजेंट ए फील्ड लाइन्स, और जो कर्व बन के आएगा वो एक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा। रिपीट द अबव प्रोसीजर, प्रोसीजर इसको आप बार बार रिपीट करते रहेंगे। ड्रॉ एज मैनी लाइन्स एज यू कैन, और आप बहुत सारी लाइन बना सकते हैं जैसा जितनी आप चाहें। यू विल गेट ए पैटर्न शोन इन द फिगर 13.4, जैसे 13.4 में दिया हुआ फिगर आपको इस तरीके से फिगर दिखाई देगा। दीज लाइन रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, और ये लाइन होती है मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है मैग्नेट के चारों तरफ। दीज आर नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इनको आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कह सकते हैं। ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल एज यू मूव इट अलॉन्ग द फील्ड लाइन्स, और वहाँ पर फील्ड लाइन्स के अकॉर्डिंग आप देखिए किस तरीके से वो नीडल जो है वो डिकम्पोज, जिस तरीके से वो डिफ्लेक्शन को शो करती है। अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पे आपको रख के देखेंगे कंपास को, उसके अलग अलग डिफ्लेक्शन को देखेंगे। द डिफ्लेक्शन इंक्रीज एज द नीडल इज मूव्ड टुवर्ड्स द पोल्स, और डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होता चला जाएगा जैसे जैसे आप साउथ पोल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मीन पहले नॉर्थ पोल पर ज़्यादा होगा, धीरे धीरे वो डिफ्लेक्शन का होता जाएगा कम होता चला जाएगा, और साउथ पोल पर जाकर फिर से मैक्सिमम हो जाएगा।